नमस्कार दोस्तों, प्रेमा कुकिंग में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी रेसिपी है समोसा बनाना। तो समोसा बनाने के लिए देखिए, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, इसके वजह से हम बाहर नहीं जा सकते हैं, बच्चे परेशान करते हैं चटपटे खाने के लिए। तो आज हम घर में ही बनाएंगे, जो भी घर में सामग्री होगी उसी से हम समोसे बनाएंगे। तो समोसे बनाने के लिए देखिए, मैंने 200 ग्राम मैदा ले ली हूँ, 200 ग्राम मैदा है, इसमें से मैं थोड़ा सा मैदा ये रख लूँगी बाद में लगा के बनाने के लिए। और इसमें देखिए, हमने थोड़ा सा नमक लिया है और अजवाइन लिया है, थोड़ा सा मतलब 1/4 चम्मच मैंने अजवाइन लिया है और 1/4 चम्मच ही नमक लिया, थोड़ा नमक लिया है इसमें। ये देखिए, इसमें डालूँगी अभी, देखिए मैंने सबको मिला लूँगी इसमें। और फिर इसके बाद हम इसमें ये तेल डालूंगी, आप घी भी डाल सकते हैं, घी है तो घी डाल दे, बहुत से लोग घी पसंद नहीं करते हैं इसीलिए मैं तेल डाल रही हूँ। अब इसको मैं बहुत अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे, देखिए बहुत अच्छी तरह से मिलाना है इसको तेल को, जब तक से अपना आटा एकदम बैंड ना हो जाए तब तक से ही, तभी जाके क्रिस्पी बनेगा, एकदम कुरकुरे बनेगा। ये देखिए इस तरह से इसको हमको मिला लेना है, देखिए ऐसे ही करके आप इसको मिलाएं। बाहर जाने को नहीं होता है तो बच्चों को खुश करने के लिए जो भी घर में है उसी से हम बनाएंगे समोसा। तो आप बनाए समोसा और बच्चों को भी खिलाइए, बच्चे भी खुश रहेंगे। ये देखिए बैंड हो रहा है आटा, तो इसी तरह हम इसको अब हमारा समोसा का एक मैन अच्छा है, तो इसीलिए हम अब इसमें हम देखिए थोड़ा पानी ली हूँ, अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम गूंद लेंगे। ये देखिए थोड़ा ही थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ये घी डाले हैं, तेल डाले हैं, इसलिए ज़्यादा पानी की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और ज़्यादा ढीला भी नहीं करना है, तो इसी तरह इसको गूंदना है पूरे आटे को। देखिए दोस्तों, मेरा आटा तैयार है। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसी में तेल लगा लूंगी, हाथ में लगा के तेल, अब इसको हम अच्छे से मैल कर देंगे। देखिए बहुत ही अच्छा आटा हो गया है, अब इसको मैं सेट होने के लिए कुछ टाइम तक के लिए रख देती हूँ। देखिए अब इसको 10 मिनट के लिए मैं इसको इसी तरह सेट होने के लिए रख देती हूँ, कुछ इसे ढक के। देखिए ये ना गीला है ना टाइट है, एकदम रोटी बनती है रोटी से ही थोड़ा टाइट रखना है इसको, तो इसी तरह 10 मिनट के लिए मैं इसको सेट होने के लिए रख देती हूँ ढक के। देखिए दोस्तों, मैंने आटा रख दिया सेट होने के लिए, तब तक से हम आलू, देखिए आलू उबाल करके इसको मैं तैयार कर लेते हैं समोसा में भरने के लिए। तो ये देखिए 3-4 मैंने मीडियम साइज का आलू है, जल्दी होने के लिए मैंने आधा काट दिया था बीच में, तो इसको अभी मैं करूँगी मसल दूंगी हाथ से ही। और देखिए तड़के में मैंने जीरा डालूंगी, थोड़ा सा मूँगफली डालूंगी, और देखिए लाल मिर्ची है, नमक है स्वाद के अनुसार है, एक स्पून धनिया पाउडर है, और देखिए ये काली मिर्च है छोटा 4 स्पून, 1/4 चम्मच काली मिर्च है, ये देखिए गरम मसाला है 1/4 गरम मसाला है, 1/4 स्पून आपका ये हल्दी पाउडर है, तो हल्दी पाउडर है। तो ये देखिए मैंने मिर्ची काट के रखी हूँ, धनिया गार्निश के लिए रखी हूँ। तो चलिए अब तेल डालते हैं पैन में। देखिए दोस्तों, पैन रख दिया है, तेल गरम हो गया है, अब इसमें देखिए 1/4 स्पून में ये डालूंगी, जीरा डालूंगी। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से जीरा हमारा तड़क रहा है, ये देखिए। फिर इसके बाद अब इसमें मैं हींग डालूंगी, ये देखिए थोड़ा सा हींग डालूंगी। फिर इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा देखिए मूँगफली ली हूँ, इसको इसी में डालूंगी मूँगफली, ये थोड़ा अच्छे से हो जाए, तड़क जाए एकदम से। देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से मेरा ये मूँगफली देखिए सारे के सारे फूट गए, बहुत अच्छी तरह से हो गया है। अब इसमें देखिए मैं जो 1/4 चम्मच लिया था ये आपका गरम मसाला, ये देखिए काली मिर्च लिया है, पाउडर बना दिया है इसका 1 स्पून वो है, ये देखिए लाल मिर्ची है, ये देखिए धनिया पाउडर है, ये देखिए हल्दी पाउडर है, सब हमने डाल दिया। और ये देखिए ये थोड़ा सा अमचूर पाउडर है, ये अमचूर पाउडर है, इसमें अमचूर पाउडर डालने से बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा टेस्टी टेस्ट होता है। तो ये सब हमने डाल दिया है, गैस बिल्कुल मीडियम में कर दिया है। देखिए अब इसमें मैं थोड़ा सा ये डालूंगी, पानी डालूंगी,
देखिए दोस्तों हमारा अच्छा तरह से भुन गया है। अब इसी में मैं डालूंगी बेसन, थोड़ा सा बेसन डालूंगी कि ताकि ये जो हमारा आलू जो डालूंगी भरने के लिए रखूंगी तो उसमें क्रिस्पी ज्यादा रहेगा, ज्यादा देर तक ढीला नहीं होगा, नहीं तो ऐसे वो ढीला हो जाता है। तो देखिए इसके साथ ही मैं इसको मैं भूनूंगी, भून के तब आलू मिलाऊंगी। देखिए इसी तरह इसको भून लेंगे अच्छी तरह से, मसाले में ही बेसन को भूनूंगी। देखिए अच्छी तरह से भून गया। अब धनिया पत्ता और लाल ग्रीन मिर्च जो काटी थी उसको भी इसमें मैं लास्ट में डालूंगी। अब देखिए सारे को मैं इसमें मिला लूंगी अच्छी तरह से। देखिए अभी मेरा गैस जल रहा है, अब बंद कर दूंगी गैस को, गैस बंद करके तब आलू मिलाऊंगी इसमें। देखिए कितना अच्छा मेरा हो गया, बहुत ही चटपटे बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। आप इन लोग का लॉकडाउन में जरूर बनाएं, जरूर बच्चों को खिलाएं, अपने खाएं, अपने परिवार को खुश करें, जरूर बनाएं। देखिए ये देखिए अब मैं इसमें आलू डालती हूँ, जो मैंने आलू भर के रखी थी मसल के। ये देखिए चार आलू काटी थी हमने, ये हो गया हमारा सब। अब इसी में सब मिला देंगे अच्छी तरह से, ये देखिए बढ़िया से मिला देंगे। अगर आपको नमक कुछ कम लगा तो फिर आप इस तरह डाल सकती हैं, टेस्ट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी समोसा बनेगा। आप जरूर ट्राई करें, बनाएं इसको। देखिए इस तरह इसको मिला लीजिए। देखिए दोस्तों ये हमारा 10 मिनट हो गया इस आटे को। देखिए बहुत अच्छी तरह से फूल गया है आटा, देखिए एकदम बहुत ज़्यादा नरम हो गया है आटा, एकदम मुलायम हो गया है, नरम हो गया है। अब हम इसकी लोई काट के आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने आधा आधा कर लिया दो भाग में, इस तरह ही इसको मैं करूँगी। देखिए इस तरह से मैं छोटी छोटी लोई काटूंगी, इस तरह से छोटी छोटी लोई काटूंगी। 200 ग्राम आटा है, कम से कम 13-14 को तो बनना ही चाहिए, देखते हैं कितना बनता है। ये देखिए इस तरह से आटा मैंने ले किया है। देखिए अब इसकी रोटी बनाते हैं। देखिए अब मैं इसको बेल रही हूँ, बेल के भी काटते हैं समोसा बनाने के लिए। इस तरह से बेलना है इसको, थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेना है। ज्यादा पतला भी नहीं बेलना है और ज्यादा मोटा भी नहीं बेलना है, मीडियम ही है बेलना है। अब इसको हम काट देंगे बीच में से। देखिए इस तरह लेना है, इसके आधा पोर्शन में तेल पानी लगा लेना है, ऐसे करके पानी लगा लेंगे हम। फिर इसको इस तरह से करके ऐसे इसको हम मोड़ लेंगे इस तरह। देखिए ऐसे हो जाएगा, बंद कर देंगे इसका एकदम। देखिए इस तरह से अच्छा से सट जाएगा ये। अब इसमें मैं इसको भरूंगी, ये देखिए इस तरह से भरेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको हम भर देंगे। भरने के बाद यहाँ भी मैं तेल पानी लगाऊंगी ऊपर में भी। फिर इसको इस तरह से हम अंदर इसको करके ऐसे करके इसको हम ऐसे भर देंगे। ये देखिए इस तरह से बना देंगे समोसा अच्छा से। ये देखिए इस तरह से ले लिया हमने। अब इसमें आधा पोर्शन में मैंने पानी लगा दी हूँ ऐसे। अब इसको देखिए ऐसे करके इस तरह से मैंने इसको बना लिया, इस तरह से देखिए इसको हम बना दिया। अब देखिए मैं इसमें भर रही हूँ। देखिए इस तरह से भर दिया, फिर इसे ऊपर ऊपर फिर इसमें पानी लगा देना है। लगा करके इस तरह इसको बंद करना है, देखिए ये ऐसे करके बंद कर देना है। इसी तरह सारे ऐसे बंद हो जाएगा, ये देखिए अच्छा से बंद हो गया हमारा ये। ये देखिए कितना अच्छा समोसा बन गया है। देखिए इस तरह से बनाइए समोसे को। देखिए अब हमारा पूरा समोसा तैयार हो गया है। 250-200 ग्राम मैंने मैदा लिया था, 8-10 ठो बन गया है अच्छे से। तो अब इसको हम तल के दिखाते हैं आपको, आइए देखिए तलते हैं।
ये देखिए हमारा तेल गरम हो गया है, इतना ज्यादा भी गरम नहीं होना है, मीडियम गरम करना है इसमें, एकदम धीरे धीरे स्लो आंच में भी पकाना है। देखिए ऐसे हो रहा है, इसी तरह इसको में डालना है पूरा समोसे को, हमेशा कम से कम ना तो 4-6 समोसा एक साथ ही डालें कि आराम से पकता रहे इसमें, एक दो करने से अच्छे से पक नहीं पाएगा। ये देखिए पूरा समोसा डूबना चाहिए तेल में, देखिए इस तरह से धीरे 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 ये पकेगा। ये देखिए बस ऐसे ही धीरे धीरे आंच में ये पकेगा। ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छा कलर चेंज हो गया है इसका समोसे का, देखिए बहुत अच्छा भी तल रहा है, कम से कम तो बहुत मीडियम आंच में भूनना है और 15-20 मिनट तो लग जाता है इसको भूनते भूनते। तो देखिए इस तरह से भूनिए, बहुत अच्छा बनेगा, एकदम कुरकुरे हो रहा है। ये देखिए अभी भी मैं 5 मिनट तक इसको रखेंगे, देखिए अभी भी थोड़ा सा कसर है इसमें, तो 5 मिनट और रख के तब निकालेंगे मैं। बहुत ही अच्छा हमारा समोसा बन रहा है, ये देखिए कि बहुत ही अच्छा मेरा तल गया है, बहुत ही मतलब देखिए कितना कुरकुरे हो गया है, बहुत ही अच्छा हो गया। 20 मिनट कम से कम 20 मिनट लग गया इसको हमको तलने के लिए। अब देखिए मैं निकालती हूँ इसको, लॉकडाउन हुआ है अब इसमें इसी तरह बनाइए, जो भी घर में है सामान उसी से इस समोसे को बनाइए और बच्चों को खिलाइए, अपने खाइए और बच्चे भी खुश रहेंगे। और देखिए इसी तरह से आप बनाएं इसको, बहुत ही अच्छा है। देखिए धीरे 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 तलना है इसको, मीडियम आँच में ही तलना है, फूल आँच में नहीं तलना है इसको। देखिए इस तरह से देखिए मेरा बहुत ही अच्छा हो गया है, बहुत ही कुरकुरे है। अब मैं दूसरा डाल लेती हूँ, जो और बाकी जो था बचा हुआ उसको भी मैंने बना दिया था। ये देखिए अब ये भी मैं तल रही हूँ मीडियम आंच में, इतना ध्यान रहे मीडियम आंच में ही इसको तलना है, फूल आंच नहीं करना है, एकदम स्लो भी नहीं करना है। इसी तरह इसको हम तलेंगे। देखिए दोस्तों अब हमारा ये भी पूरा हो गया, देखिए कितना अच्छा से तल रही हूँ मैं, बहुत अच्छा हो गया तल के। देखिए एकदम कलर एकदम चेंज हो गया है, ब्राउन कलर हो गया है। इसी तरह आप तलिए इसको, बहुत ही कुरकुरे बना है। देखिए अब इसको भी मैं निकाल लेती हूँ, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ, बहुत अच्छा समोसा बना है। बनाइए घर में बैठे बैठे, इसको बनाइए खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, अपने भी खाइए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब हमने तल लिया है अब इसको, चलिए देखिए मेरा समोसा बिल्कुल तैयार हो गया, बहुत अच्छा समोसा बना है। लॉकडाउन हुआ है इसमें आप बनाइए खाइए, अगर हमारा रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।